हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जो UTL का गामा प्लस 1 KVA का सिस्टम है, उस पर हम आपको 1 HP की मोटर चला के दिखाएंगे, जो अपने घरेलू वाटर पंप होता है उसको चला के दिखाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे पास मोटर है वो कलसी कंपनी की मोटर है और आप देख सकते हैं 1 HP की मोटर है और रेजिंग स्टार इसका मॉडल है। आपको बता दूँ कि जो मोटरें आती हैं कलसी, सब मोटरों से हैवी मोटर होती है, क्योंकि ये पंजाब की लोकल कंपनी है, जो मिस्त्री लोग होते हैं उनकी कंपनी है। तो इनकी जो ज़्यादा मोटरें होती हैं वो चलती हैं ज़्यादा हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में। तो आप देख सकते हैं MRP इसका, देख सकते हैं 7720 रुपये, मैंने 7500 में इसको खरीदा है। अभी डेढ़ दो मंथ हुए हैं इसको लिए हुए मोटर को। तो इसको हम चला के देखेंगे हमारे गामा प्लस 1 KVA के सिस्टम में। तो आप फीचर इसके देख सकते हैं मोटर के, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा हैवी मोटरें होती हैं, चाहे वो 0.5 HP में हो चाहे वो 1 HP में हो। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, मोटर में काफ़ी मिट्टी लगी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 मंथ ही पुरानी है ये मोटर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मोटर के ऊपर भी दिखा देता हूँ, कहीं आपको लगे कि ये 1 HP की मोटर नहीं है। तो मैं मिट्टी को साफ़ कर लेता हूँ और आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 1 HP की मोटर है ये, ठीक है। और कितने RPM है इसके, कितनी इसकी जो वाटर पंप कैसा है, कितनी उसकी रेंज है, कितने मीटर तक, वो सब आप इस वीडियो को जूम करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका प्लग मैंने लिया है, जो मेरा इन्वर्टर पे पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं वायर काफ़ी लंबी हो गई थी, 30 फुट तक लंबी हो गई वायर। तो मेन्स अभी अवेलेबल नहीं थी, रात को लाइट चली गई थी, तो अभी मेरे को पानी चढ़ाना था टैंकी में, तो मैंने सोचा कि देख लेता हूँ चलती है या मोटर नहीं चलती 1 HP की, क्योंकि 1 KVA का सिस्टम है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी वायर हो गई थी, 30 फुट के तकरीबन। तो ये आपको पता है कि करंट भी लॉस हो जाता है बीच में। तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ से मैंने कनेक्शन किया हुआ और मोटर चल रही है, और यहाँ पे मेन्स है वो अभी ऑन अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मोटर चल रही है, कलसी कंपनी की वही मोटर है। तो मैंने आपको दिखाए थे इसके फीचर अभी। तो अभी ये पानी जो चढ़ा रही है वो उसका जो एरिया मैं आपको बताऊं, वो भी काफ़ी मैंने अभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, काफ़ी ऊंचा हो जाता है, दूसरी मंजिल तक के ऊपर टैंकी बनी हुई है। तो ये जो कंपनी की मोटर है कलसी कंपनी की, तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये पूरे भारत में इसकी मोटरें मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादा पंजाब हरियाणा में ही चलती हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर टैंकी बनी हुई है, तो कितना वाया बन जाता है इसका। तो अगर किसी को ये मोटर लेनी भी हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, हम हो सकेगा आपको कुरियर करवा देंगे, हमारे एरिया में तो ये मिलती रहती हैं। अभी मैं आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, इन्वर्टर तो चल रही है, कितनी ये लोड कंज्यूम कर रहा है तो आपको दिखा देता हूँ मैं। इसका फ़ैन अभी चल रहा है, क्योंकि लोड पूरा इस पर पड़ रहा है इन्वर्टर पर। तो इसके क्योंकि बैटरी काफ़ी डाउन थी, 2 बैटरी का सिस्टम है, आप 1 बैटरी पर कभी ये 1 HP की मोटर मत चला के देखना। तो ये आप देख सकते हैं 97% लोड दिखा रहा है, लेकिन ये मतलब ओवरलोड का कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा, बढ़िया मस्त तरीके से ये मोटर चल रही है। तो जो भाई लेना चाहते हैं इन्वर्टर ले सकते हैं, 0.5 HP की तो बड़े आराम से चल जाएगी जब 1 HP की चल रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी कम है, 11.1 वोल्टेज पर आ गई है ये बैटरी, क्योंकि रात से लाइट नहीं थी, पंखे चल रहे थे, बाद में वॉशिंग मशीन चलती रही 1 घंटा, तो बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी। 98% लोड दिखा रहा है, तो ये इन्वर्टर बढ़िया काम कर रहा है 1 HP पे, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। अगर सोलर आपके लगा हुआ है 1 HP, ये 1 KVA का सिस्टम है, तो बड़े आराम से चलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा 1 HP की मोटर, इस पर अगर आपके पास 1 KVA का इन्वर्टर, तो 1 बैटरी पे मत चलाना, 2 बैटरी या तो चलाना, नहीं तो मत चलाना, बैटरी ख़राब हो जाएगी। अगर आपके सोलर लगा हुआ है 1 बैटरी है तो चला लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी आपके सामने है इन्वर्टर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को। तो यही मैं वीडियो मेरे को बनानी थी, तो मेरे को टाइम नहीं लगा, मैंने सोचा आज चलो जब मैं पानी चढ़ा रहा था तो मुझे लगा चलो बना देनी चाहिए अभी, तो मैंने इतना वायर वगैरह जो सिस्टम किया था तो दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बना दी। तो कुछ भाई बोलेंगे भी कि ये वीडियो फेक है, ये है भाई, अगर नहीं चलती तो मैं आपको बताता कि नहीं चली, चल गई तो मैंने दिखा दिया चल गई, 90% लोड दिखा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना भाई, वीडियो में आपको बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले इसके, जो चल गई तो मैंने बता दिया चल गई, अगर नहीं चलती तो बता देता नहीं चली। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो हो सके तो शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।